नमस्ते बच्चों, आज हम तुकांत वाले शब्दों से कविता बनाना सीखेंगे। ये कविताएं आपको जरूर पसंद आएंगी। क्या आप तैयार हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये तुकांत वाले शब्द क्या होते हैं। तुकांत वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे कुट बिस्कुट, खाऊंगी जाऊंगी, रखी मक्खी। ये सभी तुकांत शब्द हैं। अब हम इन तुकांत शब्दों से कविता बनाना सीखेंगे। पहले हम कुट और बिस्कुट के तुकांत शब्द से कविता बनाएंगे। चिड़िया बोली कुट कुट कुट, दे दो मुझको दो बिस्कुट। क्या ये कविता आपको अच्छी लगी? चलिए अब खाऊंगी और जाऊंगी शब्द से इस कविता को आगे बनाने की कोशिश करते हैं। कविता की एक पंक्ति मैं बनाऊंगी और दूसरी पंक्ति आपको बनानी होगी। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों? भूख लगी है खाऊंगी। बच्चों, क्या आप जाऊंगी शब्द का प्रयोग करके कविता की दूसरी पंक्ति बना सकते हो? बिल्कुल सही, खा पी कर सो जाऊंगी। अब हमारी कविता की एक और पंक्ति पूरी हो गई। भूख लगी है खाऊंगी, खा पी कर सो जाऊंगी। ये कितना आसान है ना बच्चों? अब हम रखी और मक्खी के तुकांत शब्द से कविता को आगे लिखेंगे। तो चलिए, दूध जलेबी रखी है। क्या आप मक्खी शब्द से इस कविता की दूसरी लाइन को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक, पर उसमें तो मक्खी है। आपने कविता को पूरा कर दिया है। दूध जलेबी रखी है पर उसमें तो मक्खी है। शाबाश बच्चों, है ना ये मजेदार? आइए एक बार हमारे द्वारा बनाई गई कविता को फिर से देखते हैं। चिड़िया बोली कुट कुट कुट, दे दो मुझको दो बिस्कुट। भूख लगी है खाऊंगी, खा पी कर सो जाऊंगी। दूध जलेबी रखी है पर उसमें तो मक्खी है। बच्चों, आप भी स्क्रीन पर दी गई कविता की पंक्ति में तुकांत शब्द जाऊं का प्रयोग करने की कोशिश करें और दी गई कविता को पूरा करें। कैसे खाऊं कैसे खाऊं, और अपने द्वारा बनाई गई कविता को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने तुकांत वाले शब्दों से कविता बनाना सीखा।